Ladies and gentlemen. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शिराज है और आप लोग देख रहे हो शिराजी कार्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। इस गाड़ी का नाम है चेंगन अलेसविन। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को ऑल पे कर दें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे इस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी वाले आइकन को भी ऑल पे कर दें। इस दूसरे चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैनल पे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, तो एक दफ़ा आप लोग इस चैनल को जरूर चेक करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैनल पसंद आएगा। शुक्रिया। इस गाड़ी का नाम है चेंगन अलेसविन। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये गाड़ी पाकिस्तान में आने वाली है, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि फ्यूचर में इस गाड़ी को पाकिस्तान में टेस्ट करते हुए भी देखा जा सकता है। तो फाइनली इस गाड़ी को पाकिस्तान में टेस्ट करते हुए देखा जा चुका है। इस गाड़ी को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में टेस्ट करते हुए देखा गया, जिसका वीडियो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। वैसे तो मैंने आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में पहले बता दिया है कि इस गाड़ी के अंदर कौन सा इंजन होगा, डिजाइन कैसा है इस गाड़ी का और कब तक लॉन्च हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर इस वीडियो के अंदर एक दफा बता देता हूँ। कुछ लोगों ने इस गाड़ी का वीडियो पहले नहीं देखा होगा। तो चलिए बात करते हैं चेंगन अलेसविन के बारे में। ये गाड़ी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये गाड़ी काफी ज्यादा प्यारी है। फ्रंट से गाड़ी का डिजाइन दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। गाड़ी का जो इंटीरियर डिजाइन है वो भी काफी ज्यादा प्यारा है। ये गाड़ी एक सब कम्पैक्ट कार है जिसका पाकिस्तान में होंडा सिटी और टोयोटा यारिस से मुकाबला होगा, लेकिन इस गाड़ी की जो प्राइस है वो दोनों गाड़ियों से कम होगी। इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो गाड़ी के अंदर जो इंजन आएगा वो 1500 सीसी का इंजन आएगा। अभी तक इस गाड़ी के अंदर 1300 सीसी इंजन की कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस गाड़ी के अंदर 1300 सीसी का भी इंजन आ जाए, लेकिन ज्यादा चांस है कि इस गाड़ी के अंदर आपको 1500 सीसी का इंजन मिलेगा। गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगी और मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलेगी। इसके बाद गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो कि आपको होंडा सिटी और टोयोटा यारिस के अंदर मिल रहे हैं। लाइक एयर बैग आपको गाड़ी के अंदर मिलेंगे, एबीएस ब्रेक्स आपको गाड़ी के अंदर मिलेंगी, और आपको एलसीडी स्क्रीन वगैरह भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। और बाकी ये गाड़ी पाकिस्तान में जब लॉन्च होगी इस गाड़ी के अंदर आपको जो जो फीचर मिलेगा मैं आपको सारे फीचर्स के बारे में बता दूंगा। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान में इस गाड़ी की प्राइस क्या होगी। तो पाकिस्तान में इस गाड़ी की जो न्यूज़ के मुताबिक प्राइस है वो 20 लाख से शुरू हो सकती है, और इस गाड़ी के वेरिएंट के मुताबिक इस गाड़ी की प्राइस हो सकती है, मतलब जो हायर एंड वेरिएंट उसकी थोड़ी ज़्यादा प्राइस होगी। तो अब बात करते हैं गाड़ी के लॉन्च डेट के बारे में कि पाकिस्तान में ये गाड़ी कब लॉन्च होगी। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि पाकिस्तान में गाड़ी को टेस्ट किया जा रहा है, तो हो सकता है कि 2020 के एंड तक ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च कर दी जाए। अभी ये गाड़ी पाकिस्तान में टेस्ट की जा रही है, जैसे इस गाड़ी का टेस्टिंग फेज खत्म होगा तो इस गाड़ी की जो लॉन्च डेट है उसकी भी कोई ना कोई न्यूज आ जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।